प्रशासन के प्रति लामबंद हुए जम्मू कश्मीर के कॉलेजों के टीचर, 19 और 20 अगस्त को पेन डाउन स्ट्राइक करने का किया ऐलान। उपराज्यपाल के दिशा निर्देशों का होने लगा है पालन, एसी कमरों से बाहर निकलने लगे अधिकारी, लोगों के पास जाकर सुन रहे हैं समस्याएं। जम्मू की बोबो और बड़ी बहन ने मूंदी आंखें, डोगरी के गौरव पद्मा सचदेव का हुआ निधन, गमजदा हुए जम्मूवासी, योगदान को किया याद। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी, पेश हैं अब तक के समाचार। जम्मू कश्मीर कॉलेज टीचर एसोसिएशन ने मांगों को पूरा न किए जाने पर अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने का फैसला कर लिया है। एसोसिएशन के सदस्यों ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया है कि प्रशासन को बार बार अवगत करवाए जाने के बावजूद भी कॉलेज टीचरों को उनकी एक भी सुनी नहीं जा रही है। प्रशासन ने अपने ही एसआरओ के खिलाफ जाकर कुछ ऐसे निर्णय ले लिए हैं जो कि टीचरों के हित में नहीं है और डीपीसी न करवाए जाने से भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि अगर आने वाले दिनों में कॉलेज टीचरों की सुनवाई नहीं हुई तो वो 19 और 20 अगस्त को पेन डाउन स्ट्राइक करने को मजबूर हो जाएंगे। इश्यूज है, ये हमारी सैलरी का पार्ट है जो कि हमारे को डिनाई किया जा रहा है, जिनको कि हमारे को लिंगराउन किया जा रहा है। ये हमारे रूल्स के खिलाफ जाके, जो कि एक हमारी यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ जाके, अपने ही फाइनेंस डिपार्टमेंट, अपने ही एसआरओ के खिलाफ जाके, ये जो हमारे को इससे वंचित किया जा रहा है। तो मैं फिर से एक बार आपके सभी के माध्यम से एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि एलजी साहब हमारी उसमें इंटरवीन करें और ये हमारे इश्यूज को रिजॉल्व करें। नहीं तो हमने ये डिसाइड किया है कि आफ्टर 19 और 20 तारीख को हमारे जो जितने भी जम्मू कश्मीर के कॉलेज हैं, 19 और 20 को वो पेन डाउन स्ट्राइक रखेंगे और जो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो हम उसमें डिसाइड करेंगे। हमारी डीपीसी हमारी नहीं हो रही है। और वहीं पर ग्रामीण हलकों में जाकर वहां के लोगों से उनकी दिक्कतों का संज्ञान लेने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के चलते जम्मू के डीसी अंचल गर्ग ने आज सुचेतगढ़ ब्लॉक का दौरा भी किया है। इस दौरान उन्होंने सुचेतगढ़ ब्लॉक की पंचायतों के सरपंचों के साथ बैठक करके उनके मन की बात भी सुनी और बुनियादी सुविधाओं की कमी का संज्ञान लेते हुए उन्हें जल्द पूरा करने की भी बात कही है। डीसी ने इसके अलावा इस सीमांत इलाके के लोगों की अन्य दिक्कतों का भी नोटिस में लेते हुए इन्हें जल्द से जल्द हल करने की भी बात कही है। आपको यह भी बताते चले कि राज्यपाल ने हाल ही में एक आदेश जारी करके तमाम जिलायुक्तों को हर बुधवार और शनिवार को कार्यालयों में न बैठकर बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कहा है। जायजा लिया जाए और कोशिश की जाए कि मौके पर जितने भी समस्याओं का हल किया जा सकता है उनको किया जाए और बाकी जो इश्यूज हैं उसके लिए जो हमारी डिटेल सर्वेज होते हैं, स्टडीज होती हैं और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं उसका भी एक जायजा हमने लिया है। हमारे जो ऑनरेबल डीडीसी मेंबर हैं सुचेतगढ़ इलाकों का जायजा लिया हमने, सभी जो उनके इश्यूज थे, चाहे वो बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, बॉर्डर एरियाज के जो खास मुश्किल होती हैं डीएसएफ को लेकर हो, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आज हमारे साथ थे। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम फैसले भी ले पाए हैं और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि पीआरआई की कंसल्टेशन में ही जो है डेवलपमेंट का सिलसिला आगे बढ़े। हमारे जो भी बैक टू विलेज के वर्क्स हैं जो पिछले साल से पेंडिंग थे, जो और इस साल भी जो डिस्ट्रिक्ट केपेक्स में तकरीबन 86 करोड़ हमारा एरिया डेवलपमेंट ग्रांट के तहत आया है, उसका भी हमने कामों का जायजा लिया और कोशिश है कि आगे आने वाले टाइम में इनके कामों को और तेजी से मुकम्मल। और वहीं पर सोरनकोट के तहसीलदार शिराज अहमद ने आज अधिकारियों के साथ एक बैठक करके स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जायजा भी लिया है। बैठक में पुलिस सहित अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों ने भी भाग लेकर अपने अपने स्तर पर की जा रही तैयारियों का ब्यौरा दिया है। बैठक में खासतौर पर प्रमुख समारोह की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा का मुख्य विषय भी रहा है। गिवन द सर्कमस्टांस हमारे ठीक रहे 15 अगस्त तक, तो हमने सारा ये बैठ के प्लान किया है। हमारा मेन वेन्यू जो वाइसनपुर ही रहेगा, विजुअल रहेगा, फ्लैग होस्टिंग की भी जो गवर्नमेंट की तरफ से हम आ जाएंगे, इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे किसने करना है, वो टाइमिंग भी आज साल ही आती है वो आ जाएगी। टेंटेटिव टाइमिंग हमारी जो है वो ट्रेन के मुताबिक 8:45 रही है। तो सारी तैयारी उन्होंने ज्यादा कर लिया है एंड आई होप के वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल वेरी नाइसली।
पुंछ जिले के दिव्यांगों को मुंह मांगी मुराद मिलना शुरू हो गई है और इस साल मार्च महीने में जिले के जिन दिव्यांगों की निशानदेही करके उनका ब्यौरा लिया गया था उनमें से आज से जरूरत का सामान उन्हें बांटना भी शुरू हो गया है। पुंछ में आज से ही सामाजिक अधिकारिता शिविर की शुरुआत हुई है और आज पहले ही दिन 378 में से 55 दिव्यांगों में उनकी जरूरत के हिसाब का सामान दे दिया गया है। ये शिविर कल मंडी, परसों सूरनकोट और 7 अगस्त को मेंढर में भी लगाया जाएगा। मार्च 2021 में यहाँ पे असेसमेंट कैंप लगाया गया था टीम के द्वारा, मेडिकल टीम के द्वारा। आज वही कैंप का जो सामान हम बांटने आए हैं, ये हम आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं। ये भारतीय सरकार की तरफ से एक जारी किया गया है, जो भी दिव्यांग लोग होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, उनको हम सामान बांटते हैं फ्री में। जैसे ट्राईसाइकिल हो गई, व्हील चेयर हो गई, आर्टिफिशियल लिम्स है और कान की मशीन है, हेरिंग एड्स होते हैं, रोलेटर, जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं MR, उनको MR किट दी जाती है। अकॉर्डिंग टू उनकी डिसेबिलिटी उनको हम सामान देते हैं मुफ्त में, फ्री में। आज सर यहाँ पे हमने 55 लोगों को सामान बांटा है। अभी हमारा कल भी कैंप है, परसों भी कैंप है। टोटल हमारे यहाँ पे पुंछ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सर 378 पीपल्स को हम सामान बांटे। बरसात के इस मौसम में इन दिनों जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में पौधारोपण अभियानों ने जोर पकड़ लिया है और इसी कड़ी में आज कठुआ में भी जहां वन महोत्सव और ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के तहत पौधे लगाए गए हैं, वहीं पर जम्मू में सतवारी जोन के अधीन आने वाले भूरेचक इलाके में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में भी ऐसा ही अभियान चलाया गया। कठुआ डिग्री कॉलेज में DC राहुल यादव, जबकि भूरेचक मिडिल स्कूल में DFO श्वेता देवनिया और जोनल एजुकेशन ऑफिसर सुनीता गुप्ता विशेष तौर पर मौजूद रहीं। डोगरी साहित्य की पहचान, डोगरी का गौरव और आधुनिक डोगरी कविता को शिखर पर ले जाने वाली जम्मू की बोबो और बड़ी बहन कही जाने वाली पद्मश्री पद्मा सचदेव जी आज हमारे बीच नहीं है। पद्मा सचदेव जी का आज सुबह 4:30 बजे मुंबई स्थित उनके निवास पर हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे अपने पीछे अपने पति शास्त्रीय गायक सुरेंद्र पाल सिंह सचदेव, बेटे तेजपाल सिंह सचदेव और बेटी मीता सचदेव को छोड़ गई हैं। उनके निधन पर जम्मू वासियों के अलावा जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी ने भी संवेदना जताई है। जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में स्थित उनके पुराने आवास पर भी आज सन्नाटा पसरा रहा और हर कोई उनके निधन की खबर सुनकर गमजदा हो गया। आपको बता दें कि पद्मा सचदेव अपनी मातृभाषा से जुनून की हद तक प्यार करती थी। डोगरी भाषा, डोगरी साहित्य और डोगरी संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में उनका योगदान सराहनीय रहा है। डोगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए हुए संघर्ष में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर वो चलती रहती थी। जेके मीडिया नेटवर्क की तरफ से भी स्वर्गीय पद्मा सचदेव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित है। उनके इस तरह चले जाने से डोगरी साहित्य जगत में खास तौर पर और हम जम्मू वासियों के लिए, जम्मू का जितना भी साहित्य है वो चाहे किसी भी भाषा से हो, उनको एक कमी महसूस होती रहेगी, एक खला हमें महसूस होगा हमेशा। और उसके अलावा एक बहुत नेक दिल, पाक साफ जो हृदय रखने वाली एक शख्सियत, एक इंसानियत का एक पूरा मुजस्मा जो है वो हमारे सर से हमेशा के लिए चला गया। और बड़ा अफसोस है उनके जाने का और कोशिश रहेगी कि जो सपने उन्होंने देखे डोगरी को एक मुकाम दिलाने का और जिस पर वो कामयाब भी रहे, उनका हम ख्याल रखें और उनके उन सपनों को पूरा करने में हम पूरी कोशिश करें। तो उनके जाने से डोगरी का एक बहुत बड़ा जो स्तंभ है वो हिल गया है, गिर गया है, कि जो आज की नई पीढ़ी है वो उनके नक्शे कदमों पे चले, डोगरी को अपनाए, घरों में डोगरी बोलें बच्चे। माँ बाप का भी ये फ़र्ज बनता है कि अपने बच्चों को अपनी माँ बोली, अपनी मातृभाषा जो हमारी पहचान है, अगर डोगरी है तो हम डोगरे हैं, अगर डोगरी ही नहीं रहेगी तो डोगरे हमको कौन कहेगा। तो इसलिए मेरी तो यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम उनके कहे को अपनाएं, जैसा वो कहती थी कि घर घर में जो बच्चे हैं वो डोगरी बोलें, डोगरी खेलें, डोगरी खाएं, डोगरी पहने। तो ये हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, भाषा है उसको अपना कर ही हम उनको
सच्ची श्रद्धांजलि भेंट कर सकते हैं। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर के जगती टाउनशिप पहुंचने पर उनका स्वागत प्रदर्शन के साथ हुआ है। जगती में कश्मीरी पंडितों का एक धड़ा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिसने आज नारेबाजी करके अपनी मांगों को निजाम तक पहुंचाया है। डिफकॉन ने हालांकि इन लोगों की मांगें भी सुनी और उसके बाद वहां आयोजित एक बैठक में भी इस टाउनशिप की जरूरतों का जायजा लिया है। सभी लोगों से इनहैबिटेंट्स के साथ बात की और अच्छे एनवायरनमेंट में सभी के साथ बात हुई है। जो रिलीफ कमिश्नर साहब हैं वो काफ़ी देर से यहाँ पर पोस्टेड भी हैं और काफ़ी अब इनको आइडिया है यहाँ के इश्यूज़ का, और बहुत अच्छा लोगों ने प्रेज़ भी इनकी की कि इनका जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहा है। जो बॉटल नेक्स हैं, इस्पेशली पानी को लेकर दिक्कत है, कुछ बिजली को लेकर भी दुश्वारियाँ हैं, एकोमोडेशन भी कहीं कहीं पर ऐसा इशू आया कि एकोमोडेशन ऑफ फैमिलीज क्योंकि बाइफरकेट हो गई हैं तो एकोमोडेशन भी जो है वो उसमें थोड़ा सा कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है कुछ फैमिलीज़ को। तो सारे इश्यूज़ और मेमोरेंडम हमने जो है वो लिए हैं यहाँ पर, और उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, जिस लेवल पर भी उसको प्रोजेक्ट करना होगा वो प्रोजेक्ट किया जाएगा। साथ ही में हमने यहाँ पर आज हायर सेकेंडरी स्कूल है उसका भी दौरा किया, काफ़ी एनरोलमेंट है उसमें, तो वहाँ पर भी जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो रिलीफ कमिश्नर साहब को दी गई हैं, सो दैट वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा और स्कूल एजुकेशन महकमे के साथ उसको टेकअप करेंगे। इसके साथ साथ कुछ दुकानों की अलॉटमेंट को लेकर देयर इज सम डिफ़िकल्टी, तो उसको भी जो है द मैटर इज सब जूडिस, उसको भी रिजॉल्व करने के लिए मैंने इनको बोला है दैट ही विल फॉलो अप विद द ऑफिस ऑफ। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित की गई आयु कई लोगों को रास नहीं आ रही है। जम्मू के कुछ युवाओं ने आज प्रदर्शन करके गृह विभाग के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति भी जताई है और उस पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया है। इन लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सदन से लेकर सड़क तक भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन गृह विभाग के इस फैसले ने उनके दावों की पोल खोलकर रख दी है। सर, हम पिछले एक महीने से लगभग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन के लिए। सर, जो अभी एक महीना पहले जुलाई के पहले तारीख को होम डिपार्टमेंट ने रूल सेट किए थे, जिसमें उन्होंने 18 से 28 का ग्रेजुएशन का प्रावधान रखा कि इतनी उम्र वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। 18 से 21 तो सर 3 साल तो सीधे सीधे हमारे निकल के बाद, क्योंकि 18 से 21 में ग्रेजुएशन कोई करता नहीं। 20 में चलो फिर भी बड़े रेयरेस्ट केस होंगे, और MBBS कोई BDS वाला तो सर वो 23-24 में भी जाएगा। तो सर, हम कह रहे हैं कि एक बार मौका देके हमें जो एक ही बार अपील होने का मौका मिला है, और उसके बाद हम ओवर एज हो रहे हैं सर, ये हमारे साथ नाइंसाफी है। सर, सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब स्टेट रहा है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट लाने के बड़े बड़े वादे किए गए हैं। सदन में भी सर, पार्लियामेंट में आपने देखा, अमित शाह जी ने, हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा है, तो हम उनसे भी ये अपील करते हैं कि सर इस चीज़ पर गौर किया जाए और हमें एटलीस्ट उन बच्चों को वन टाइम एज रिलैक्सेशन दिया जाए जो पिछली बार एलिजिबल थे, क्योंकि सर पिछले 10 साल में हमें एक ही मौका मिला है और पोस्ट निकलती 7-8 साल के बाद ऑटोमेटिकली सर हम ओवर एज हो जाते हैं। और आप जानते हो 370 हटा, कोविड पैंडेमिक है, नेट बंद रहा सर, हमारी पढ़ाई बिल्कुल टोटली जो सफर हो चुकी है, हम लोग तो इंडिया से हम बहुत लोग पीछे बहुत रह चुके हैं। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू सूबे के कुछ जिलों में SOP की भर्ती प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाए हैं। पैंथर्स ने इन भर्ती के तौर तरीकों को सरासर गलत करार देते हुए आरोप लगाया है कि इनके तौर तरीकों से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पैंथर्स चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप लगाए हैं और साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर इन भर्तियों में अगर नियमों और कानूनों का पालन नहीं हुआ तो पैंथर्स पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो जाएगी। SPOs की भर्ती हो रही है, 732 SPOs सात जो जम्मू के कुछ जिले हैं उनमें लगाए जाने हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसके लिए ऑफिसर खुद उनकी नियुक्तियां करेंगे बगैर किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए, जो हम कतई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। बैकडोर से अपॉइंटमेंट्स अगर SPOs की होती हैं तो पैंथर्स पार्टी न केवल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी बल्कि इस सरकार को जवाबदेह बनाएगी। एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, कानून ये कहता है कि जब भी पब्लिक सर्विसेज के लिए भर्ती होनी हो उसमें प्रॉपर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन होना चाहिए और सब लोगों को एलिजिबल जो है उनको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कंपीट करने के लिए, लेकिन ये पिक एंड चूज बेसिस के ऊपर जो भर्ती करने की कोशिश की जा रही है इसका पैंथर्स पार्टी विरोध करती है।
डोडा जिले में कई सड़कों की बद से बदतर हो चुकी हालत लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। डोडा भारत मार्ग की इनमें से शुमार है, जो कि करीब 10 पंचायतों के 30 गांवों को आपस में जोड़ती है। इस गांव का रखरखाव ना होने से इसका जोग्राफिया किस हद तक बिगड़ चुका है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। बरसात के इस मौसम में इस सड़क पर गाड़ी चलाना मौत को दावत देने से कम नहीं है। इस अनदेखी पर क्या कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का, आइए ये भी सुनते हैं। देखो रोड की हालत क्या है, रोड हमें सही होनी चाहिए। बहुत गांव जुड़ते हैं, दिशनान है, दार है, इधर शुरियान, बरसला, पुरनोत, पीछे बगला, भरत वगैरह सारा पीछे। ये एक किलोमीटर के अंदर, एक डेढ़ किलोमीटर के अंदर डोडा से सिटी से बाहर ये एक किलोमीटर के अंदर ही ये हालत है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ यहाँ से पीछे आप जाएं, यहाँ से पीछे जाने का मतलब बिल्कुल बहली जो पौंडा है, पौंडा से पीछे तो बिल्कुल सर एक खड्डे से निकालनी है गाड़ी, दूसरे खड्डे में जाना है, और यही हालत है सर। एक मतलब सर जो एमएलए पहले वाला जो कंसर्न जो इस वक्त मतलब हालिया जो एमएलए है उसको दोष दे रहा है, और वो मतलब ये वाला उसको बोल रहा है कि नहीं ये यानी सियासत की नज़र, सियासत की नज़र बात मत पूछिए। आपको पता है अब मतलब 10-15 दिन से ये बारिशें हो रही हैं सर, तो हमें इस मतलब बारिशों में अगर कोई पेशेंट लाना पड़े या कोई प्रेग्नेंट लेडी लानी है बाजार तो बहुत सर बहुत दिक्कत हो। एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपोरा के गांव चिट्टी बांडे में स्थित दो घरों में छापेमारी की है। ये मकान हार्डवेयर की दुकान में काम करने वाले मुजम्मिल और गुलाम मोहब्बत का बताया जा रहा है। मकान पिछले कुछ दिनों से न्यायिक हिरासत में है। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम स्थानीय पुलिस के साथ चिट्टी बांडे गांव में पहुंची और दलबल के साथ आए एनआईए के अधिकारियों को देखते हुए इलाके में हड़कंप मच गया। टीम का कुछ सदस्य मुजम्मिल भट्ट के घर जबकि कुछ सदस्य उसी गांव में रहने वाले वकार अहमद के घर पर पहुंचे और जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। ये छापेमारी के सिलसिले में की गई है, अभी तक इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मुजम्मिल अहमद भट्ट पुत्र गुलाम हसन भट्ट हार्डवेयर की दुकान में सेल्समैन का काम करता है, वहीं गुलाम मोहम्मद लोन पुत्र वकार अहमद लोन पहले से ही किसी आपराधिक मामले में पुलिस हिरासत में है। दोनों घरों में एनआईए के सदस्यों ने तलाशी लेने के साथ साथ पूछताछ भी की। फिलहाल मुजम्मिल अहमद भट्ट को भी एनआईए की तरफ से जांच पूरी होने तक हिरासत में लिया गया है। दिव्यांगों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार ने भले ही कई योजनाएं शुरू की हैं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी ये योजनाएं लागू हैं, लेकिन ये योजनाएं किस हद तक ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। दिव्यांगों को इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं और हालत यह है कि समाज कल्याण विभाग भी ये दिव्यांग जो है इन्हें कोसने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जम्मू के वार्ड नंबर 37 की निवासी पूजा देवी की हालत को देखकर रूह भी कांप उठती है, जो इस दुनिया में अकेली है। माता पिता और भाई बहन ना होने के कारण पूजा इस हालत में किस तरह अपना गुजर बसर करती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से इसे मात्र 1000 रुपए की पेंशन मिलती है, और वो भी हर महीने नहीं बल्कि कभी कभी। हालांकि वार्ड की पार्षद भी बदौलत पूजा देवी को महाजन सभा की ओर से भी हर महीने 1000 रुपए की राशि दे दी जाती है, और उसके बाद पूजा देवी के सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाए। प्रशासन से दिव्यांगों के उत्थान के लिए उचित कदम उठाने की मांग भी की गई है। इसमें हैंडीकैप के लिए आपने किसी के लिए भी इसमें आपको जो सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो चाहती हूँ तो वो उनसे मैं यही कहूँगी कि थोड़ा जितने में हम सोशल वार्ड में करते हैं वो हमारी सहायता नहीं। तो किस तरह की हेल्प चाहिए आपको, जिस तरह से सरकार? मुझे हेल्प इस तरह से चाहिए, कोई भी लड़की हो मेरी तरह हो चाहे मजबूर हो, मैं चाहती हूँ कि जो एक सपना होता है हर चीज़ का, वो सपने अधूरे हो गए हैं क्योंकि वो सपने कभी पूरे नहीं हुए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार करे तो मैं सरकार से यही हेल्प करूँगी कि जहाँ तो इस चीज़ से गरीबी को हटा। इनको जो जब मैंने इसकी हालत देखी कि जो इसके कमरे हैं जो जहाँ सोती थी जे सारा पानी इसी के ऊपर ही गिरता था, तो इसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं था। जब मैंने देखा तो मैंने अपने महाजन हाल की महाजन बलादरी की तरफ से इसको 1000 रुपया पेंशन लगाई है,
और 1000 मिलती है इसको सोशल वेलफेयर की तरफ से। मैंने इसको अपना फ़ोन नंबर दे के रखा है, इसको रात को भी ज़रूरत पड़े तो रात को भी हम आने को तैयार हैं। इसको मैंने बोल के रखा है तेरे को राशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तूने मुझे बताना है, तूने किसी के साथ बात नहीं करनी, मैं तेरी हर तरफ से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कोरोना महामारी के वजूद में आते ही केंद्र सरकार ने जम्मू स्वास्थ्य विभाग की जहां जो दिल खोल के मदद की है, वहीं पर कई निजी कंपनियां व संस्थाएं भी पीछे नहीं रही हैं। जम्मू के जीएमसी अस्पताल को देश की एक जानी मानी इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक मुहैया करवाया गया था, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि मौजूदा समय में यह टैंक धूप और बरसात में बाहर पड़ा सड़ रहा है। इस टैंक को इंस्टॉल न किए जाने से यह बेकार साबित हो रहा है और अगर इसी तरह से ये इसी हालत में पड़ा रहा तो ये किसी काम का भी नहीं रहेगा। अभी तक इसमें रिफिलिंग का कोई जरिया नहीं बनाया गया, जबकि जब इसकी इंस्टॉलेशन थी तब वहाँ पर डीसी साहब मौजूद थे, सीएमओ साहब मौजूद थे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था हॉस्पिटल का वहाँ मौजूद था, लेकिन अब जब रिफिल की बारी आई तो वहाँ उसको रिफिल के लिए उनको कोई इंजीनियर नहीं मिल रहा। ऐसा कैसे संभव हुआ कि वहाँ उनको इंजीनियर नहीं मिल रहा? अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन उनका वेट कर रहे हैं कि ताकि उसको टैंकर को जंग लग जाए, जब उसकी पूरी कंडीशन ख़राब हो जाएगी तो उसको हमें कबाड़ में बेचना पड़ेगा। हम चाहते हैं डीसी साहब से, हमारी यही अपील है कि वो जल्द से जल्द उसको रिफिल करवाएं, एक इंजीनियर को हायर करें ताकि वो आने वाली थर्ड लेयर के लिए हम पहले ही प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि आने वाली थर्ड लेयर जो है हिंदुस्तान में शुरू हो गई है। तो ये काफ़ी दिन से वहाँ पे खड़ा है, ऐसे ही टैंक खड़ा है, ऊपर से बरसात भी लगी हुई है, इसको जंग लगने का खतरा है। तो जब ये जहाँ टैंक लाया गया था मेडिकल ऑक्सीजन, जो इसमें इसके अंदर जो ऑक्सीजन है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, वो इसके अंदर जो बर्नी है, अभी तक इसको कोई सैंपल नहीं किया गया और डीसी साहब उस वक्त मौजूद थे जब ये टैंक जहाँ पे लाया गया था। और मेरी डीसी साहब से अपील है और गवर्नर साहब से, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा से भी मेरी अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको देखा जाए, इसका मुआयना किया जाए और इसको जल्दी से जल्दी सैंपल किया जाए, क्योंकि थर्ड लेयर जो है कोरोना वायरस की वो आने वाली है, वो अलर्ट पे है और उसके पहले जी सैंपल होना चाहिए हमारे मेडिकल कॉलेज में, और ऐसा ना हो कि इसको जंग लग जाए, बरसात के दिन भी चल रहे हैं, जंग लग जाए और जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बाद में इसको कबाड़ के बाद देना पड़े। और हम यही अपनी मांग करते हैं जल्दी से जल्दी इसका कुछ किया जाए और जल्दी से जल्दी इसको असेंबल किया जाए और जिससे यह कि थर्ड लेयर जो आने वाली है लोगों को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन मिल पाए। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से ऑल जेएंड के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के बैनर तले पूर्व मुलाजिमों ने जम्मू में एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर प्रधान देवराज बाली ने कहा है कि सरकार के आदेश के अनुसार एक बिल स्टेटमेंट एक हफ्ते के अंदर सचिवालय में भेजी जानी थी, लेकिन 45 दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी बिल स्टेटमेंट तैयार नहीं हुई है। उन्होंने मांग की है कि अगर एक हफ्ते के अंदर बिल स्टेटमेंट तैयार करके सचिवालय नहीं भेजी गई तो वह 11 अगस्त को उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज का जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है जेके आरटीसी मैनेजमेंट के खिलाफ, क्योंकि सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया हुआ है, जो एसआरटीसी के एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो वीआरएस हैं, जीएचएस हैं एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, बिल स्टेटमेंट बना के सेक्रेटरी में भेजी नहीं है, पेमेंट आ रही है, लेकिन जो ऑर्डर था उसमें 1 वीक टाइम था, लेकिन आज 45 दिन गुजर जाने के बाद भी बिल स्टेटमेंट तैयार हुई है, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं, इन सर्विस एम्प्लॉयज हैं या अफसर हैं, उनके बिल स्टेटमेंट बन गए, जो रिटायरमेंट है उनके बिल स्टेटमेंट बन गए। हम एसआरटीसी एमडी को वार्न करते हैं कि 1 वीक के अंदर अंदर हमारी बिल स्टेट बनाकर पेमेंट जितनी भी बनती है वीआरएस जीएचएस एंड रिटायर एम्प्लॉयज की स्टेटमेंट बनाकर सिविल सेक्रेटरी में भेजी जाए, अदरवाइज नहीं होता तो 11 तारीख को 11 अगस्त को हमारा इसी तरह धरना प्रदर्शन होगा। धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।